हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम भारत सिंह। टुडे आई विल टीच यू क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेगेटिव सेंटेंसेस। इन लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू फर्स्ट चैप्टर एंड द एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 2। तो प्लीज स्टूडेंट ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ हमको ये समझनी होती है कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। जब हम किसी सेंटेंस की या टेंस की हेल्पिंग को समझ जाते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से नेगेटिव बना सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ते हैं नो, नॉट एंड नेवर। नो, नॉट का यूज़ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट द चैप्टर। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को हम देख रहे हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। गोपाल हैज नो मनी। गोपाल के पास कोई पैसा नहीं है या कोई धन नहीं है। तो नो क्या है? नो एक्सप्रेस द नेगेटिव सेंटेंस। आई नेवर डिसओबे माई पेरेंट्स। मैं कभी अपने माता पिता की अवज्ञा नहीं करता। तो यहाँ नेवर का मतलब कभी नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे। All these sentences express सभी sentences express something negative। वे sentence जो कुछ negative नकारात्मक express करते हैं, they are called negative sentences। वे negative sentence कहलाते हैं। Sentence which have words like no, not, nothing and never in them are called negative sentence। जिन sentences के अंदर नो, नॉट, नथिंग एंड नेवर का यूज होता है वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। राइटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? जिन सेंटेंस के अंदर बी सच एज एम इज बॉस एंड वर, मीन्स जिन सेंटेंस के अंदर इज एम आर का यूज होता है, जिन सेंटेंस के अंदर इज एम आर बॉस वर का यूज होता है उनके बाद हम नेगेटिव बनाने के बनाते हैं, तब नॉट का यूज करते हैं या नेवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, राधिका इज प्रिटी। राधिका इज प्रिटी ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, हमें इसको नेगेटिव बनाना है। राधिका एक सुंदर है, राधिका सुंदर है, नेगेटिव बनाएंगे राधिका इज नॉट प्रीटी। तो हमें इच के बाद नॉट का यूज किया। ओके स्टूडेंट, इन केस ऑफ विल वी एंड सेल वी। इन केस ऑफ विल वी एंड सेल वी, बी पुट नॉट आफ्टर विल और सेल। जिन वाक्यों के अंदर विल वी एंड सेल वी होता है उन वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए हम सेल और विल के बाद नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी विल गिव एन अवार्ड। सी विल गिव एन अवार्ड, तो हेयर इज अ विल, इसको नेगेटिव बनाएंगे। आफ्टर विल बी यूज नॉट, सी विल नॉट गिव अवार्ड। देखिए, सी विल गिव एन अवार्ड ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बना रहे हैं। तो सी विल नॉट, तो विल के बाद क्या लगा हमने? नॉट का यूज किया। सी विल नॉट गिव अवार्ड, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बना। एंड सेकेंड देखेंगे, सी वी सेल गो, वी सेल गो टू द पार्टी, सो नेगेटिव बनाएंगे। आफ्टर सेल वी यूज नॉट, वी सेल नॉट गो टू द पार्टी, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ हमने क्या कहा, सेल के बाद नॉट का यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड, रोहिणी, रोहिणी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। रोहिणी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, रोहिणी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगी, में सफल हो जाएगी। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। आफ्टर विल बी यूज नॉट, रोहिणी विल नॉट, आफ्टर बी वी यूज हेयर नॉट,
रोनी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये बच्चों क्या होना, नेगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, हियर आर सम शॉर्ट फॉर्म, वी ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल इज नॉट को ऐड करके हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, इजंट। ओके, आई एम नॉट, आई एम नॉट को एम और नॉट को मिला के बनेंगे आई एम नॉट, ये ना ये शॉर्ट फॉर्म है। आई एम को शॉर्ट फॉर्म आई एम नॉट। सेल नॉट को यूज करेंगे सांट। ओके स्टूडेंट, सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है सांट। वॉज नॉट को वॉजंट, विल नॉट वॉन्ट। ये शॉर्ट फॉर्म से बिल और नॉट को मिलाकर बोलते हैं हम वॉन्ट। हेयर आर नॉट को मिलाकर बोलेंगे अरंट, इसको शॉर्ट फॉर्म है, आर नॉट को मिला के अरंट, इस शॉर्ट फॉर्म हुई। When sentence have different form of the verb have, जब किसी सेंटेंस के अंदर have का यूज होता है तो उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इसकी और भी फॉर्म होती है have की, have, has and had। ये have की फॉर्म्स हैं, have, has and had। सेंटेंस में जब have, has एंड हैज़ यूज होता है, मतलब हैड यूज होता है, तो उनको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, सी फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए डॉग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाएंगे हैव के बाद नो का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैव के बाद हैव, हैज और हैड के बाद वी ऑलवेज यूज नो। आई हैव नो डॉग, मेरे पास कोई गुड़िया नहीं है, तो यह क्या हुआ हमारा नेगेटिव, क्योंकि हैव के बाद यह क्या आया नो, नो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव सेंटेंस को। ही हैज ए डॉल, इसका नेगेटिव बनाएंगे ही हैज नो डॉल, ही हैज नो डॉल, तो आफ्टर हैज बी यूज नो। दे हैड डॉल्स, नेगेटिव बनाएंगे दे हैड नो डॉल्स, उनके पास कोई गुड़िया नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इट्स इनफ, फ्रॉम हियर वी विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टूडेंट प्लीज़ राइट एवरीथिंग एंड रिवाइज। ओके, थैंक्स अ लॉट।